हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समीनाज लिटिल वर्ल्ड। तो जी, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपने किचन का फुली मेकओवर। और जो इसका पार्ट वन वीडियो है वो हमने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें कि हमने इसकी क्लीनिंग और कुछ DIYs आपके साथ शेयर किए थे। तो यहाँ पर हम जो ये सेकेंड पार्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें इसका पूरा मेकओवर करने वाले हैं। ये बिफोर लुक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका मेकओवर। तो किचन के इस वाले कॉर्नर में हमने ये DIY शेल्फ लगा रखी थी और इस पर अपना सामान प्लेस किया हुआ था, जिनको कि अब हम यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद ये वाला जो कॉर्नर है ऊपर, यहाँ पर ये कांच का एक कॉर्नर लगा हुआ था, तो इसको भी हम यहाँ से अब हटाएंगे, क्योंकि काफ़ी साल हो गए इसको लगे हुए और अब हमें इसे देना है थोड़ा सा नया लुक, इसलिए इसको हम यहाँ से हटा देंगे। इसके स्क्रूज को हमने खोल दिया और इसको रिमूव कर दिया है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर हमने एक ये हैंगर लगवाया था, तो इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हम कुछ और करने वाले हैं। तो सारी ही चीज़ों को जितनी पुरानी थी उनको हमने हटा दिया है। यहाँ पर गैस के बैक साइड वाला जगह है, यहाँ पर वॉलपेपर लगाया था, तो इसको भी हम रिमूव कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ों में रिमूव हुआ, बट ये रिमूव हो गया था। उसके बाद यहाँ पे ये माइक्रोवेव ओवन की जगह है, तो ये इसको थोड़ा सा मूव करेंगे हम। और जो पीछे ये कांच की शेल्फ है, इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये सारी शेल्फ्स को हमने हटा दिया है, और ये बैक में इसके जो स्क्रूज लगे हुए हैं उनको भी हम हटा रहे हैं। इतना काम किचन का हमने कर लिया है, चलिए अब करते हैं कुछ DIY। तो इस DIY के लिए हमने फेविकोल लिया है और उसमें थोड़ा पानी ऐड कर लिया है, उसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर ये केक का बेस आता है उसको हमने लिया है, और इस पर हम यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं टिश्यू पेपर्स को। टिश्यू पेपर के एजेस को हमने फाड़ दिया है, उसके बाद ये पेस्ट जो है इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और इसको इस पर पेस्ट करते जा रहे हैं। इससे इसका बेस बहुत अच्छा सा हो जाएगा और एक टेक्स्चर हमें मिल जाएगा। इसके जो कॉर्नर्स और एजेस हैं उनको भी हम इसी टिश्यू पेपर से कवर कर रहे हैं। उसके बाद इसको हमने ड्राई होने छोड़ दिया था। ड्राई होने के बाद इस पर हम कर रहे हैं वाइट एक्रेलिक पेंट, और उससे इसको पूरी तरीके से कवर कर देंगे, ताकि इसका बेस निखर के आ जाएगा। अब इस पर हम कर रहे हैं ब्राउन एक्रेलिक कलर। यहाँ पर हमने तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। जो अपर पार्ट है उसमें हम ब्राउन कलर से पेंट कर रहे हैं, मिडिल पार्ट को हम वाइट ही छोड़ देंगे, और जो लास्ट का पार्ट है उस पर हम ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 3D आउटलाइनर, और उससे हम इस पर कोट लिख देंगे। नॉर्मल सा कोट है जो कि हम लोग सभी अपने किचन में यूज़ करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने ग्रीन कलर का आउटलाइनर लिया है, और उससे हमने यहाँ पर फोक बना दिया है एक साइड में, और एक साइड में हम यहाँ पर स्पून को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने ली है ईयरबड, और उससे हम व्हाइट कलर के पोल्का डॉट्स इस पर बना रहे हैं, और इस तरह से इसका बेस रेडी हो गया। अब इसको ऊपर हम थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ये आर्टिफिशियल प्लांट की लीव्स लगा दी हैं। उसके बाद बीच में हम लगा रहे हैं एक बो, और उसके ऊपर दूसरी बो हम अटैच कर रहे हैं। फिर हम इस पर लगा देंगे एक मोती, और यहाँ पर हमारा जो DIY है वो कम्प्लीट हो गया है। चलिए जी, करते हैं अपना नेक्स्ट DIY, जिसके लिए हमने ये लेजी सुजियन ट्रे ली है। ये मीशो से हमने मंगवाई थी, और एक हमने ये पाइप ले लिया है। पाइप को हमने अपने अकॉर्डिंगली कट करवा लिया था। उसके बाद यहाँ पर हमने व्हाइट बॉन्ड लिया है, इसको मिक्स करके हमने रख लिया है। पाइप को हम थोड़ा सा गैस पे इस तरह से गर्म कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। उसके बाद इस ट्रे के बीच में हमने इसको दबाया है इस तरह से, और जो हमारा व्हाइट बॉन्ड है, या फिर आप इसमें MCL भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ करें, उससे हम इसको इस तरह से फिक्स कर रहे हैं। हालांकि ये इस पर फिक्स नहीं होता है, ड्राई होने के बाद देखिए ये फिक्स नहीं हुआ, बट हमें इस तरीके का एक बेस चाहिए था, तो हमने बेस ले लिया है। अब उसके बाद एक और हमारे पास इस तरीके की ट्रे पड़ी हुई थी, तो वो हमने ली है, और उस पर हम मार्कर से इस तरह से मार्क कर रहे हैं। अब एक चाकू को गैस पे हमने गर्म किया है, और जो हमने मार्क किया था उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। चाकू बार बार गर्म कर रहे थे और इस तरह से कट कर रहे थे, तो ये आसानी से कट हो गया है। तो यहाँ पे ये निकाल देंगे इसको कट करके, और अब जो हमारा पाइप है उसको हमने इसमें डाल दिया इस तरह से। अब यहाँ पर अगेन हमने व्हाइट बॉन्ड लिया है, और इसके चारों तरफ इसको इस तरह से फिक्स कर देना है। थोड़ी देर इसको प्रेस करके रखना है, आराम से ये ड्राई हो जाता है। अब इसको पलट लेंगे, और जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी हम व्हाइट बॉन्ड को इस तरह से लगा रहे हैं। तो ये जो हमारी छोटी वाली ट्रे है, ये इस पाइप में अच्छे तरीके से फिक्स हो गई। अब जो बड़ी वाली ट्रे है, इसमें से फिक्स करने के लिए हम ग्लू गन की हेल्प से इसको फिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने बेस बना लिया था, तो हमारे ये जो बेस है आराम से स्टक हो जाएगा इसके अंदर, और ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा और ना ही ये टूटेगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको पेस्ट करा है। उसके बाद यहाँ पर हम स्प्रे पेंट से इसको पेंट कर लेंगे। पेंट करने के बाद इसको हम करेंगे थोड़ा सा डेकोरेट, जिसके लिए हमने ईयरबड ली है और ब्लैक एक्रेलिक कलर लिया है, उससे हम इस पर पोल्का डॉट्स बना दे रहे हैं पूरी ट्रे पे। तो देखिए, अगर इस ट्रे में हम वॉल पुट्टी डाल के इसको फिक्स करते पाइप को, तो ये हमारी जो ट्रे है ये घूमने वाला काम बंद कर देती, क्योंकि ये भारी हो जाती। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से इसमें बेस बनाया, और उसके बाद ग्लूगन के हेल्प से इसको स्टिक कर दिया, तो हमारी ये टू टीयर ट्रे बनकर रेडी हो गई।
तो चलिए अब मेकओवर का काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा गैस का पाइप है ये दो कलर में और कितना ख़राब लगता है। तो सबसे पहले इसी का मेकओवर आज हम करेंगे। इसका मेकओवर करने के लिए हमने यहाँ पर वॉलपेपर लिया है और उसके छोटे छोटे से पार्ट्स कट करके इस पाइप के ऊपर हम लपेटते जा रहे हैं। पाइप पे जब वॉलपेपर को इस तरह से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ तो नहीं लग रहा था ये, बट ये था कि उसका जो कलर था वो हाइड हो रहा था और देखने में काफ़ी आंखों को सुकून मिल रहा था। जो एकदम ब्राइट सा कलर पाइप का था ना वो बिल्कुल हाइड हो रहा था। इस पाइप को एज सून एज पॉसिबल हमें चेंज करवाना है, बट जब तक इसे चेंज नहीं करवा रहे तब तक जुगाड़ से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये वाला जुगाड़ हमें काफ़ी पसंद आया है क्योंकि ये जो पाइप था ना ये हमारा काफ़ी हद तक हाइड हो गया इस तरह से। अब जो साइड का पाइप नज़र आ रहा था उसको भी हमने इसी तरीके से वॉलपेपर से पूरा कवर कर दिया है और अब ये देखने में काफ़ी सुकून वाला पाइप लगने लगा है। अब हम इस काउंटर टॉप पे सामने की तरफ ड्रिल करवा रहे हैं। यहाँ पर एक ड्रिल पहले से थी, उसके बाद दूसरा ड्रिल करवा के हमने ये पटा बेलन का जो स्टैंड था वो यहाँ पर हैंग कर दिया है। और अब हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं अपने किचन में कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स, जिनको कि हम घर में ही लगाएंगे बिना किसी प्रोफेशनल की हेल्प से। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 5 मीटर रोप लाइट ली है, ये पेपर टेप लिया है, साथ ही ये जो वायर को हैंग करने वाले हुक होते हैं वो लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे लिए ग्लव्स और लिया है फेविक्विक। बस इन्हीं सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है इस लाइट को लगाने के लिए। अब ये जो इसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर हम लगाएंगे ये पेपर टेप और इसको अच्छे से यहाँ पर रैप अप कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम इस पर फेविक्विक लगा के इसको स्टिक करेंगे तो ये आराम से स्टिक हो जाएगी। प्रोफेशनल्स इसको कुछ और तरीके से भी लगाते हैं, बट यहाँ पर घर में अगर आप इस तरह की लाइट लगाना चाहें तो ये वाला मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। एक एक फिट का गैप लेते हुए हमने यहाँ पर पेपर टेप को इस तरीके से इस पर रैप अप कर दिया है थोड़ी थोड़ी दूरी पे। कॉर्नर्स में पेपर टेप को पास पास लगाइएगा ताकि वो वहाँ पर स्टिक रहे अच्छे तरीके से। तो ये जो है लाइट हमने पूरी इसी तरीके से कवर करी है, सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। उसके बाद इस काम के लिए आप ग्लव्स पहनना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि फेविक्विक हाथों में चिपक जाता है। अब यहाँ पर इस रोप लाइट पर हम फेविक्विक को अप्लाई कर रहे हैं और इसको इस तरह से ऊपर की तरफ रख के प्रेस कर रहे हैं। इसको 8 से 10 सेकंड के लिए इसी तरह से होल्ड करके रखें तो ये आराम से स्टिक हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी दूर पे जहाँ जहाँ पे हमने पेपर टेप लगाया वहाँ पर हम फेविक्विक लगाते जा रहे हैं और इस तरीके से होल्ड करके रख रहे हैं और उसके बाद ये देखिए अपने आप स्टिक हो रही है। इसके कॉर्नर्स को होल्ड करने के लिए यहाँ पर हम ये वायर होल्डिंग हुक जो होता है ना वो लगा रहे हैं, उससे ये होगा कि इसको थोड़ी सी मजबूती मिल जाएगी। वैसे तो फेविक्विक से आराम से स्टिक रहती है, बट फिर भी कॉर्नर्स में आप इस तरीके के हुक को ज़रूर से यूज़ करें ताकि ये आराम से स्टिक रहे। तो ये देखिए इस तरह से हमने फिक्स कर दिया है और इसी तरह से हमने अपनी जो जितनी भी कैबिनेट्स हैं अपर कैबिनेट्स उनके नीचे इसको आराम से पेस्ट कर दिया है। तो जी लाइट का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं चिमनी के जस्ट नीचे वाली जगह पे। यहाँ पर हम ये वाला वॉलपेपर स्टिक कर रहे हैं, पुराना वॉलपेपर ख़राब हो गया था तो इस वाले वॉलपेपर को हमने लगा दिया है। देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद जो हमारा गैस स्टोव है वहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सपोर्टर्स टूट चुके हैं, तो यहाँ पर हमने इसके नए सपोर्टर्स मंगा लिए हैं और वो लगा दिए हैं। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि आपका गैस स्टोव पुराना हो गया इसे चेंज कर लीजिए, बट कई बार ऐसा होता है कि पुरानी चीज़ों से भी काफ़ी लगाव होता है तो अभी हम इसको चेंज नहीं कर रहे, इन फ्यूचर में इसे चेंज करेंगे। तो इसको फिलहाल हम अभी एक दे रहे हैं मेकओवर। अभी ये सामने का पार्ट जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर भी ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हम वॉलपेपर को इस तरह से इस पे लगा देंगे ताकि देखने में ये थोड़ी सी अच्छी लगने लगे। तो हमारे गैस का मेकओवर भी हो गया है, ऑलमोस्ट डन। अब दिखाते हैं आपको यहाँ की लाइट्स को ऑन करके। तो देखिए लाइट्स ऑन होते ही किचन को कितना डिफरेंट सा लुक मिल गया है और घर में आसानी से ये लाइट हमने फिक्स कर ली है। चलिए अब करते हैं अपने किचन को पूरी तरह से डेकोरेट। यहाँ पर हम पटा बेलन का जो स्टैंड लगाया था उसमें पटा बेलन को रख दिया है। सारी ही जो एक्सेसरीज हैं पटा बेलन और रोटी बनाने की वो सब इसमें अरेंज हो गई हैं। यहाँ पर कॉर्नर में हम लगा देंगे अपनी ये 2 tier शेल्फ जो कि इस तरीके से रोटेट भी हो रही है आराम से। अब इसमें हम कुछ सामान भी प्लेस कर देंगे। इसकी जो अपर शेल्फ है उसमें पाइप में थोड़ी जगह है, तो यहाँ पर हम अपने ये DIY एग फ्लावर्स को प्लेस कर रहे हैं और जो कि यहाँ पर बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं। नीचे वाली शेल्फ में हम अपना रैंडम यूज़ का सामान रख रहे हैं और जो ऊपर वाली शेल्फ है उसमें भी सामान रख सकते हैं, बट अभी हमने नहीं रखा, उसको ऐसे ही खाली छोड़ दिया है। साइड में हमने ट्रे को प्लेस कर दिया है। उसके बाद ये सामने वाला पार्ट है, यहाँ पर अपनी DIY ट्रे रख रहे हैं जिसका कि वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है अपने फर्स्ट पार्ट में, आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये ट्रे लग रही है यहाँ पर और जो पाइप भी इसी कलर का हमारा हो गया है, तो यहाँ का जो सामने का लुक है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसमें अपने सारे जो सामान है उनको प्लेस कर देंगे।
यहाँ पर जो थोड़ी सी जगह है यहाँ पर हम मैट्स लगा रहे हैं और हमारी जो अचार की बर्नियाँ हैं जो कि डेली यूज़ में आती हैं उनको भी हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। ये हमारा DIY है, इसको हम यहाँ पर सामने की तरफ प्लेस कर देंगे जो कि बिल्कुल देखने में अच्छा लग रहा है। और जो ये साइड की जगह दिख रही है ना, यहाँ पर हम लगा रहे हैं ये फ्रिज मैग्नेट्स। ये फ्रिज के लिए हमने मंगाए थे बट इसमें हमने फोम टेप पीछे लगा दिया है और इसको हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। फ्रिज पे हम इसको क्यों नहीं लगा रहे ये आपको हमारे आगे के वीडियोज़ में पता चल जाएगा, तो वीडियोज़ को देखते रहिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा इसी तरीके के आइडियाज़ के लिए। जो दो और हमारे पास जो फ्रिज मैग्नेट थे उनको भी हमने इस साइड में प्लेस कर दिया है, तो ये वाला कॉर्नर हमारा फुली डेकोरेट हो गया है। अब जो दूसरा DIY हमने बनाया था उसको हम यहाँ पे चिमनी के ऊपर रख रहे हैं जो कि फ्रंट से देखने में अच्छा लगेगा। अब आ जाते हैं इस साइड में, यहाँ पर हमने ये पुराना DIY है जिसमें कि सारे टीज लिखी हुई हैं वो लगा दिया है और ये नया DIY भी यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब जो ये हमारा माइक्रोवेव ओवन है इसका इस बार हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम लगा रहे हैं अपना DIY प्लेसमैट। इस माइक्रोवेव ओवन के ऊपर हम रख रहे हैं ये अपनी DIY शेल्फ जो कि हमने दूसरे कॉर्नर में यूज़ करी हुई थी, इस बार हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है। और ये DIY हमारे जो कंटेनर्स हमने बनाए थे उनको भी यहाँ पर रख दे रहे हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ में आते हैं। ये ट्रे है जो कि बज्जी जब उमरा के लिए गई थी वो लेकर आई थी, वो हमने यहाँ पर प्लेस कर दी है। अब यहाँ पर हमने एक ये शहद की खाली बॉटल है उसको लिया है और उसमें इस तरीके की बॉल्स हैं वाटर बॉल्स उनको डाल दिया है और इसमें हम लगा देंगे एक आर्टिफिशियल प्लांट और इसको प्लेस कर देंगे माइक्रोवेव ओवन के ऊपर। यहाँ पर प्लेस कर दिया है साल्ट एंड पेपर की बॉटल्स को और माइक्रोवेव ओवन के जो साइड की जगह है वहाँ पर हमने अपनी एग क्रेट रख दी हैं क्योंकि सर्दियों में अभी फ्रिज में एग्स नहीं रखे जा रहे हैं। और इस ट्रे में हम ऑर्गेनाइज कर देंगे अपनी सारी वाटर बॉटल्स को। चलिए जी करते हैं क्विक सा DIY। तो यहाँ पर हमने सेटिन का रिबन लिया है जो कि 9 इंच लंबा लिया है, उसके बाद इसकी हम बना रहे हैं एक बो। तो बो बनाने के लिए देखिए फिंगर्स में इस तरह से इसको पकड़ना है, 2 फिंगर्स के बीच में से इसको निकाल लेना है, 3rd फिंगर पे इसको पकड़ के रखना है और जो ये नॉट से दिख रही है यहाँ पे से इसको निकाल के एक नॉट यहाँ पे खींच देना है। बहुत ही क्विकली हमारी नॉट बनकर रेडी हो जाएगी, बिल्कुल रेडीमेड नॉट की तरह ये बन जाती है बो। और ये देखिए हमारी बो बन गई है। अब इसके बाद इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको इस तरह से कैची से कट कर देना है ताकि ये बिल्कुल बो का लुक ले लें। तो अब इसमें से धागे ना निकलें इसलिए इसको कैंडल से इस तरह से थोड़ा सा जला देना है, तो इसमें से धागे नहीं निकलेंगे। अब हमने अपनी ये बर्नी ली है और उस पर हम लगा रहे हैं सेटिन का रिबन और इसको इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से हमने पेस्ट कर दिया है। बो को यहाँ पे लगा दिया है और इस पर एक स्टोन रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये क्विक सा बर्नी का मेकओवर हो गया है। चलिए इनको भी प्लेस कर देते हैं अपने किचन में। तो यहाँ पर जो एरिया है जिसमें कि हमने पहले अपना टी एंड कॉफ़ी कॉर्नर बनाया था, यहाँ पर इस बार हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स के कंटेनर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके बाद जो नीचे की जगह है यहाँ पर हम एक बास्केट प्लेस कर रहे हैं और ये है एक गिफ्टेड कप एंड स्पून, तो इसको भी हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर हम एक प्लेसमेट लगा के एक छोटा सा डेकोर पीस रख रहे हैं जो कि हमने मीशो से ऑर्डर किया था, बहुत ही खूबसूरत सा ये डेकोर पीस है। उसके बाद सामने की तरफ हम ये फोक स्टैंड रख दे रहे हैं जो कि आयशा अनाया कंटिन्यूसली यूज़ में लेती हैं और यहाँ पर हम लगा देंगे ये मैट्स। तो चलिए जी मेकओवर कम्प्लीट हो गया है, अब दिखाते हैं आपको अपने किचन का फाइनल लुक। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए हमारे किचन का बिफोर लुक और उसके बाद अभी आप देखिए फुली आफ्टर लुक के मेकओवर के बाद हमारा किचन कैसा लग रहा है।
तो जी फ्रेंड्स, ये था हमारे किचन का मेकओवर का वीडियो। आई होप आपको ये मेकओवर पसंद आया होगा। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आप लोगों के लिए इस तरीके का कंटेंट लेकर आएं कि आप लोग जो भी मेकओवर अपने घर में करना चाहें वो आसानी से घर में कर पाएं, यानी कि उसके करने के लिए आपको बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए जितने भी आइडियाज़ हैं सारे जुगाड़ वाले आइडियाज़ लेकर आते हैं, या फिर घर में कुछ ऐसे आइडियाज़ लेते हैं जो कि हम सब लोग अपने आप से कर पाएं। तो आप लोग को हमारे आइडियाज़ कैसे लगते हैं, DIYs कैसे लगते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करा करिए। हमें आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हों गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से होम से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आते हैं जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। कम पैसे खर्च करके भी आप अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।